मेरा नाम शीतल माली है, मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ, गोली तिरकिया बाहर करौली से। मेरे आंगनवाड़ी पे गर्भवती दूसरी गर्भवती महिला हाल फिलहाल वर्तमान में 12 चल रही है, जो उनके लिए इंदिरा गांधी मातृ वंदना योजना का पैसा लाभ नहीं उठाए, क्योंकि मेरे 2020 में कोरोना काल से ऐसा सहयोगी की डेथ हो गई है, तब से मेरे कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं लगी है। इसलिए जो मेरी दूसरी गर्भवती है उनके लिए इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जब उसका लाभ लेने के लिए कहते तो कहते हैं ऐसा सहयोगी चाहिए। ये बच्चा नहीं खेल हमारे बच्चों को भी पालन पोषण हो जाता, कुछ हमन को भी हो जाता, गर्भवती हुए तो खाने पीने के लिए सब कुछ चाहिए। जो आपका दूसरा बच्चा है उसको राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चलाई है, उसका लाभ मिला आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आपको? नहीं, हम जानते हैं ना, हमारे आंगनवाड़ी करके जानती है। आपने उनसे पूछा इस चीज के बारे में? पूछा तो सर, ही प्रभु ना कर रही और हम भी ना कर रहे। ये बच्चा नहीं खेल रहा है, ऐसा सही नहीं होने के कारण हमारी गर्भवती महिला जो दूसरी डिलीवरी उनकी लड़की हो गई है, 6,000 रुपया के लिए हमसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि हमारे पैसे दिलाओ, क्योंकि और वार्डों में ऐसा सहयोगी लगी है, उन्हें पैसे मिलते रहते हैं, तो महिला तो आपस में एक दूसरे मिलती रहती है, तो बताती है कि हमें लाभ मिला है, आपको क्यों नहीं लाभ मिला, हमारी ऐसा सहयोगी की बहुत जरूरत है, जो कि हम हेल्पलाइन से भी रिक्वेस्ट करके बैठे हैं कि हमें ऐसा सहयोगी की जरूरत है हमारे वार्ड में, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे, और भी मेरी कहीं भी बहन आंगनवाड़ी है जो उन पे भी ऐसा सहयोगी, उनको भी ऐसा सहयोगी की जरूरत है, तो हम ICDS में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा सहयोगी की जरूरत है, हमारी दूसरी गर्भवती महिलाओं के लिए लाभ नहीं मिल रहा है। गर्भ से होने से पहले तो 2,000 रुपया मिलते हैं और बाद में 6,000 मिलते हैं। 2022 में इंदिरा गांधी योजना चालू हुई थी, हमारे टीवी चैनल पे बतावे, फोन पे भी बतावे, गूगल पे भी बता दे। तो आपको उस स्कीम का लाभ मिला, पैसे मिले आपको? नहीं मिले। मेरे यहाँ करीब 3-4 लाभार्थी हैं जो अभी उनके लिए कुछ लाभ मिला नहीं। दिक्कतें मतलब मेरे एरिया में रहते हुए मतलब अपने लाभार्थी हर चीज से वंचित रहते हैं, तो मेरे को बहुत दुख होता है। बेबी कहते हैं मैडम उनको मारे मतलब पैसा नहीं आया, तो मैं भी काफी कोशिश करती हूँ फॉर्म वगैरह भरने की करने की, फिर भी उसके बावजूद भी मतलब असफल रह जाते हैं फॉर्म। तो सुविधा मिले, लाभ उठा सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, बच्चा का पालन पोषण अच्छी तरह से हो, खुद भी खान पीन करे, तो उससे उसका भी शरीर स्वस्थ रहे। लाभ के लिए हमें ऐसा सहयोगी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए भी पैसे मिले, लड़के होने पर तो उन्हें 4,000 रुपए मिलते हैं, लड़की होने पर उनको 6,000 रुपए मिलते हैं, इसलिए हमारे वार्ड में हमें ऐसा सहयोगी की बहुत जरूरत है।